विदेश मंत्री एस जयशंकर संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCU की बैठक में शामिल होने पाकिस्तान जाएंगे। ये बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होगी। ये किसी भारतीय विदेश मंत्री का बीते 9 सालों में पहला पाकिस्तान दौरा होगा। इससे पहले बतौर विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज ने 2015 में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने पाकिस्तान गई थी। उनके बाद सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल होने बतौर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2016 में पाकिस्तान का दौरा किया था। बीते 9 से 10 सालों में भारत ने पाकिस्तान के साथ हर स्तर पर संबंधों को तोड़ लिया है। मौजूदा वक्त में भारत की आधिकारिक नीति ये रही है कि जब तक पाकिस्तान की धरती से भारत में आतंकवादी गतिविधियां चलती रहेंगी, तब तक वो पड़ोसी देश से कोई बातचीत नहीं करेगा। भारत आज भी इस नीति पर कायम है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय सारे मंचों पर दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। भारत ने इसी नीति पर चलते हुए पाकिस्तान के साथ हर स्तर पर रिश्ते से दूरी बना रखी है। इसी वजह से दक्षिण एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी सार्क की बैठक से भी भारत ने दूरी बना ली है। अब ये संगठन करीब करीब खत्म होने की कागार पर पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जयशंकर SCU की बैठक के लिए पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? आखिर SCU मोहब्बत के पीछे का क्या राज है? SCU में भारत के अलावा चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य देश हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये देश भारत के लिए इतने खास क्यों हैं? दरअसल ये SCU रूस का ब्रेन चाइल्ड है। ये ग्रेटर यूरेशिया के और उसके सपने का हिस्सा है। ऐसे में रूस के साथ रिश्तों की अहमियत को देखते हुए भारत इस संगठन से दूरी नहीं बना सकता। इस संगठन में रूस के अलावा 4 सदस्य देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पूर्व सोवियत संघ के हिस्सा हैं। भारत के मध्य एशिया के देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं। सितंबर भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एस जयशंकर के इस दौरे में पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। भारत SCU को महत्व देता है। इस वजह से एस जयशंकर PM नरेंद्र मोदी के दूत दौर पर इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जानकारों का भी कहना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ खराब रिश्ते की वजह से SCU की बैठक से दूरी नहीं बनानी चाहिए। आखिरकार बीते साल इस संगठन की बैठक में भाग लेने पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावत भुट्टो भारत आए थे, लेकिन उनके साथ भारत सरकार ने कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। पिछले दिनों एक जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे अजय विसारिया कहते हैं, भारत पिछले साल बिलावल के दौरे का एहसान उतार रहा है। इस तरह अब गेंद पाकिस्तान के पाले में आ जाएगी। भारत पर आरोप लगता रहा कि वो पाकिस्तान में आयोजित वैश्विक सम्मेलनों को भी नजरअंदाज कर देता है। एक अन्य पूर्व उच्चायुक्त TCA रघुवन ने कहते हैं, हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच पर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को हावी नहीं होने देना चाहिए। भारत के लिए SCU सम्मेलन का खास महत्व है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ खराब रिश्ते की वजह से इस संगठन को कमतर नहीं करना चाहिए। इन सभी जानकारों का मानना है कि SCU भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। ऐसे में सरकार भी इस बात को समझती है और उसने इसी वजह से दौरे की घोषणा के साथ स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। एस जयशंकर के इस दौरे से एक बार फिर भारत दुनिया के मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग दिखाने में कामयाब होगा। वो फिर ये संदेश दे पाएगा कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं कर देता, तब तक उसके साथ कोई बातचीत संभव नहीं है। भारत ये संदेश उसकी धरती से देगा, जो काफी प्रभावी साबित भी होगा।